सबका सपना होता है डॉक्टर बनना, पर डॉक्टर कैसे बने ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी। दिस इज़ अ पार्ट टू एंड पार्ट वन हमने बहुत पहले डिस्कस कर लिया है, तो अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उस पार्ट वन को देखें ताकि आपका फ्लो बढ़े। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें हम स्टेम और फर्दर कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेम से। सो स्टेम जो होता है असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, मतलब कि ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और इसके ऊपर कुछ ब्रांचेस भी होते हैं, लीफ भी होता है, फ्लावर भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। सो जो स्टेम होता है असेंडिंग पार्ट होता है और उसके ऊपर कुछ ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। एंड इट इज़ डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, ये प्लीम्यूल से डेवलप होता है। एंड द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम इज़ नोड और इंटर नोड इज़ प्रेजेंट। यहाँ पे आप स्टेम अगर देखेंगे तो स्टेम के बीच बीच में नोड होता है और नोड के बीच में, ये भी मान लीजिए नोड है, तो दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटर नोड। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। सो दिस इज़ अ नोड, दिस वन इज़ अ नोड, और दो नोड के बीच में डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटर नोड। सो मान लीजिए जो नोड होता है वहाँ से लीफ अराइज हो रहा है, यहाँ से भी ये नोड है तो पिटियोल और लीफ अराइज हो रहा है, तो दो नोड के बीच में जो होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटर नोड। एंड फ्रॉम द नोड द लीफ आर बॉर्न, वहाँ से लीफ बॉर्न होते हैं। एंड द स्टेम आर जनरली ग्रीन यंग, लेटर विड बिकम वुडी एंड डार्क एंड ब्राउन। तो जब वो यंग रहते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये जनरली ग्रीन होते हैं और बाद में वो ब्राउन हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में एक क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, जो एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम है वो क्या है? सो दिस इज़ पोटैटो। तो ये IPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। सो वी डिस्कस अबाउट द सम मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशंस अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हो सकता है, टेंड्रिल मॉडिफिकेशन हो सकता है, और थॉर्न में मॉडिफिकेशन हो सकता है। ये हमारे स्टेम के मॉडिफिकेशन है। तो हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं, जैसे अभी हमने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देखा था। सो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन द स्टेम मॉडिफाइड टू फॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन लाइक स्टेम ऑफ द पोटैटो। जैसे ये क्वेश्चन था, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो ये वाला स्लाइड से पता चल जाएगा। टर्मरिक, कैलोकेशिया, जेमिकंद, जिंजर, दे आर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। नाउ वी टॉक अबाउट जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, सम प्लांट लाइक ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी, दे स्प्रेड न्यू नाइके एंड वेन ओल्डर पार्ट डाई एंड न्यू प्लांट इज फॉर्म। मतलब कि जो पुराने पार्ट्स होते हैं वो डाई कर जाते हैं और नए प्लांट इनसे आते हैं। द लेटरल ब्रांचेस विथ शॉर्ट इंटरनोड, जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं उनमें बहुत ही छोटे छोटे इंटरनोड होते हैं। एंड ईच इंटरनोड हैव अ शॉर्ट इंटरनोड बियरिंग रोजेट लीफ दैट इज पिस्टिया। एंड ये सारे एग्जाम्पल जो हैं जिनमें शॉर्ट इंटरनोड है, इनका बुशी हैबिटाट होता है, बहुत छोटे प्लांट होते हैं। जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है दैट इज़ कॉल्ड टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स जो होता है ऐसे कॉयल स्ट्रक्चर होता है, तो आप अगर सपोर्ट देंगे तो ये इसके ऊपर क्लाइम हो जाएगा। सो इट डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड, ये एक्सिलरी बड से डेवलप होता है। एंड दे आर सिलेंड्रिकल स्पायरली कॉयल्ड एंड दे हेल्प प्लांट टू क्लाइम ऑन द सपोर्ट। जो आप जैसे गांव में क्या होता है कि नीचे लौकी का पौधा लगा देते हैं और उसे रस्सी से छत पे लेके जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड टेंड्रिल्स। यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं, कुकरबिट्स जितने भी फैमिली होते हैं उनमें टेंड्रिल्स बहुत कॉमन होता है, लाइक ककम्बर, वाटरमेलन, पम्पकिन, ग्रेप वाइन्स, द ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ द टेंड्रिल्स। एंड दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। नाउ वी डिस्कस अबाउट द थॉर्न्स। जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं स्टेम के, दे मे गेट अ मॉडिफाई इन टू द वुडी एंड स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड थॉर्न। तो थॉर्न जो आप देखेंगे कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड थॉर्न्स। तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, जो इन्हें खाने आएंगे ग्रीन को, तो इन्हें मुंह में चुभेगा तो खा नहीं पाएंगे। तो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स। और दूसरा चीज़ क्या है कि दे ऑल्सो दैट रिड्यूस और डिक्रीज द ट्रांसपिरेशनल लॉस। जो ट्रांसपिरेशनल लॉस होता है उनको भी मिनिमाइज़ करते हैं, मतलब वाटर का लॉस से मिनिमाइज़ करते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी में, तो आप इस स्लाइड को बार बार चला के देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे सिट्रस, बोगनवेलिया, ओपनशिया, दे आर और एग्जाम्पल ऑफ थॉर्न्स।
नाउ वी डिस्कस अबाउट लीफ. हमारा स्टेम खत्म हो गया, अब हम लीफ के बारे में डिस्कस करते हैं. सो लीफ डेवलप एट द नोड, क्योंकि अभी हमने देखा था कि स्टेम है, ये सारा नोड है और दो नोड के बीच में लीफ होता है. तो यहाँ से दो नोड के बीच में इंटरनोड होता है, तो नोड के पॉइंट से लीफ अराइज होता है. एंड दे बियर बर्ड्स इन एक्सिस. सो एक्सिलरी बर्ड दे आर डेवलप इन टू द ब्रांचेज. जो एक्सिलरी बर्ड हैं वो ब्रांचेज में डेवलप हो जाते हैं. एंड द लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपिकल मेरिस्मेटिक एंड दे आर अरेंज इन टू द एक्रोपिटल ऑर्डर. एक्रोपिटल ऑर्डर में वो अरेंज होते हैं. सो द लीफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर द फोटोसिंथेसिस. जो लीफ होता है वो वेजिटेटिव ऑर्गन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. एंड द पार्ट ऑफ लीफ, देर आर द थ्री पार्ट ऑफ द लीफ. फर्स्ट इज कॉल लीफ बेस, जो लीफ बेस होता है. फिर ये पिटियोल होता है और लैमिना होता है. हम डायग्राम के थ्रू इसे बताते हैं. ये देखिए इसमें क्या होता है कि दिस इज़ अ एक्सिलरी बर्ड, यहीं पर नोड है और दिस पार्ट इज कॉल्ड पिटियोल, जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है. जो लीफ लैमिना, ये पूरा हमारा एक लीफ लैमिना है. तो लीफ लैमिना को जो सपोर्ट कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड पिटियोल. और यहीं पे एक्सिलरी बर्ड है और स्टिप्यूल्स यहाँ से अराइज हो रहा है. ये भी लीफी लाइक स्ट्रक्चर है. एंड दिस वन इज़ अ लीफ बेस, ये पूरा लीफ बेस है. सो लीफ इज़ अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, क्योंकि लीफ बेस ही है यहाँ पे. एंड हैविंग द टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टिप्यूल. ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम स्टिप्यूल कहते हैं. द पिटियोल दे हेल्प इन होल्ड द ब्लेड. जो ब्लेड है उसे होल्ड करके रखता है. एंड दे हेल्प इन कूलिंग ऑफ लीफ एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सर्फेस, क्योंकि लीफ में ट्रांसपिरेशन होना है, रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होना है, तो फ्रेश एयर की बहुत ज़रूरत है. फिर हम लीफ लामिना को डिस्कस करते हैं. पूरा हमारा लीफ लामिना है. लीफ लामिना इज कॉल ऑल्सो कॉल्ड लीफ बेस. दिस इज़ अ ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होना है. एंड विच इज़ वेन एंड वेनलेट्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वेन है, ये सारे वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड देयर इज़ अ प्रोमिनेंट वेन विच इज़ नोन एज मिड रिब. जो बीच में हमारा रहता है उसे मिड रिब कहते हैं. एंड द वेन प्रोवाइडेड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड दैट्स ट्रांसपोर्ट टू द वाटर मिनरल्स एंड फूड मटीरियल्स. तो जो हमारे वेन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्ट इसी के थ्रू होगा. मिनरल्स और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट इसी लीफ के थ्रू होगा, वेन के थ्रू होगा. नाउ वी डिस्कस अबाउट वेनेशंस. तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स, जैसे मान लीजिए लीफ है तो लीफ के अंदर वेन्स कैसे अरेंज है उसी को कहते हैं हम वेनेशंस. लीफ लामिना ऑफ द लीफ सर्फेस इज कॉल्ड वेनेशन. सो दे आर द टू टाइप ऑफ वेनेशन. वन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, अनदर इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है नेटवर्क, चारों तरफ से ऐसे ऐसे. अगर आप पीपल का मतलब कि लीफ देखेंगे तो पूरा जो वेन होगा ऐसे नेटवर्क में फैला होता है. द वेन एंड वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क. एग्जाम्पल डाइकॉट्स में जितने भी प्लांट होते हैं डाइकॉट्स के, दे आर कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन. नाउ वी डिस्कस अबाउट द पैरेलल वेनेशन. यहाँ पे पैरेलल वेनेशन होना चाहिए. सो द लीफ एंड लीफलेट्स अरेंज इन द पैरेलल. आप देख पा रहे हैं पैरेलली अरेंज है ऐसे. मोनोकॉट्स में जनरली ये होता है पैरेलल वेनेशंस. लीफ लैमिना के अंदर पैरेलल अरेंजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोकॉट्स. दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ लीफ. वन इज कॉल्ड सिंपल लीफ, अनदर इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ. सिंपल मतलब कि लीफ बेस हो गया, यहाँ से पिटियोल आया, लीफ लामिना आया. इस टाइप के लीफ को हम सिंपल लीफ बोलते हैं. अब इसमें कंपाउंड में क्या होगा कि जो ये पिटियोल है वो और ज़्यादा एक्सटेंडेड होकर रैकिस बना लिया, और रैकिस के ऊपर सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, तो दे आर कॉल्ड कंपाउंड लीफ. सो कंपाउंड लीफ इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू द पाइनेट्री टाइप और पाल्मेट्री टाइप. पाम की तरह होंगे. सो इसमें क्या होगा कि द नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस ऑन द रैकिस. नंबर ये पूरा रैकिस है, तो लीफलेट्स जो होंगे दे आर कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे. सो एग्जांपल जो होगा नीम होगा. पाल्मेट में आप देख पा रहे हैं पाम की तरह अपियरेंस है. द लीफलेट्स आर अटैच एट द कॉमन पॉइंट. कॉमन पॉइंट पे अटैच हो रहे हैं. यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, यहाँ से सारे अटैच हो जा रहे हैं. दैट इज़ टिप ऑफ पेटियोज. एग्जाम्पल इसका होता है सिल्क कॉटन. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. तो सिल्क कॉटन इज शो
palmate tree, while the neem is called pine tree. So this is a type of compound leaf. Now we discuss about phyllotaxy. So the phyllotaxy का मतलब होता है pattern of arrangement of leaf on the stem or branches. मान लीजिए ये stem है और इस stem के ऊपर leaf कैसे arrange है, ऐसे है ऐसे है, मतलब जो भी arrangement होता है leaf उसके stem के और branches के ऊपर, उसे हम phyllotaxy बोलते हैं. तीन type के phyllotaxy पाए जाते हैं, alternate phyllotaxy, opposite phyllotaxy and whorled phyllotaxy. नाम से ही पता चल रहा है, अल्टरनेट मतलब लीफ यहाँ से आया फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा फिर यहाँ से, अल्टरनेट. अपोजिट मतलब लीफ यहाँ है तो इसके अपोजिट यहाँ है, फिर लीफ यहाँ है फिर लीफ यहाँ है, तो दैट इज़ अ अपोजिट. और वॉल का मतलब हुआ एक ही जगह पे बहुत सारे लीफ अराइज हो जाएंगे लाइक दैट, तो हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे. तो अल्टरनेट मीन्स द सिंगल लीफ अराइजिंग एट द ईच नोड, क्योंकि लीफ जो होता है वो इंटर नोट से अराइज होता है इन अल्टरनेट मैनर, अल्टरनेट मैनर से अराइज होते हैं. एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट. नाउ वी डिस्कस अबाउट द अपोजिट फाइलोटेक्सी. अपोजिट का मतलब एक दूसरे के ऊपर अपोजिट होंगे. द पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट द ईच नोड लाई अपोजिट टू ईच अदर लाइक कैलोट्रोपिस एंड गुआवा. तो ये आप एग्जाम्पल जरूर याद रखें, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा. नाउ वॉल्स फाइलोटेक्सी मोर देन टू लीफ लीव्स अराइजिंग एट द नोड एंड फॉर्म द वॉल एल्स्टोटोनिया. ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. यहाँ से हम डायग्राम देखेंगे, ये आप देख पा रहे हैं अल्टरनेट, ये लीफ यहाँ से आया तो दूसरा यहाँ से आया, फिर तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पाँचवा यहाँ से, तो ऐसे अल्टरनेट है. यहाँ पर अपोजिट आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं ये अपोजिट है, बिल्कुल सामने सामने आया. यहाँ पर वॉल है, कॉमन पॉइंट पर सारे अराइज हो रहे हैं. तो दिस इज एग्जाम्पल. Now that is we discuss about the modification of leaf. They modify to perform a function other than photosynthesis. क्योंकि leaf का main काम होता है photosynthesis में, but ये modify होकर कुछ और काम करते हैं, जैसे tendrils. जो tendrils होता है climbing, जैसे अभी बताया था climbing on the support in a they spine to the defense in a cactus plant में spine में convert हो जाता है. स्टोरेज की बात करें, द फ्लेसी लीफ ऑफ अनियन एंड गार्लिक दे स्टोर फूड. एंड सिंथेसिस ऑफ फूड की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन केकेशिया कुछ होता है, कुछ लीफ आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव एंड द पिट्यूल ऑफ दिस प्लांट एक्सपेंडेड बिकम अ ग्रीन एंड सिंथेसिस ऑफ फूड. सो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट होते हैं, पिक्चर प्लांट होते हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, दे आर ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. So this is all about your leaf. Here is some diagram to illustrate the modification of leaf. यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नोड और इंटर नोड होगा, कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें फाइलोक्लेट्स बोलते हैं. फाइलोक्लेट्स थॉर्न्स, थॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर जो स्पाइन की तरह होते हैं. स्टेम टेंडल्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, टेंडल्स लाइक स्ट्रक्चर्स है. क्लेडोल्स और ए बुलबिल होता है. दिस इज ऑल अबाउट फीचर ऑफ स्टेम. कुछ एम सी क्यू डिस्कस करते हैं. एम सी क्यू में हम देख सकते हैं द लीफ बिकम मॉडिफाई इन टू द स्पाइन इन, जो लीफ होता है मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन में, तो ये किस में होता है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे होता है. सो लीफ जो होता है मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन में, तो अनियन में तो स्टोरेज होता है सिल्क, कॉटन, पी तो होता है नहीं, ओपनशिया इसका आंसर होगा. इन वॉल और सिंपल लीफ द रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन, जो रेटिकुलेट वेनेशन है अभी मैंने बताया था, अल्टोस्टोनिया जो होता है उसमें जो वॉल होता है, वॉल टाइप के वेनेश वॉल टाइप का होता है अरेंजमेंट, और रेटिकुलेट वेनेशन भी होता है, तो ये अल्टोस्टोनिया में होता है. अब डिस्कस करते हैं कुछ इन्फ्लोरेंसेस के बारे में. तो इन्फ्लोरेंसेस जो होता है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेंसेस. तो फ्लोरल एक्सिस पे जो होता है फ्लावर अगर अरेंज हो, उसे हम इन्फ्लोरेंसेस कहेंगे. दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, रेसिमोस और साइमोस. जो रेसिमोस होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो अ फ्लावर टू बॉर्न लेटरली. फ्लावर जो होता है देख रहे हैं आप, लेटरली ग्रो होते हैं. एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब है कि पहले ओल्ड होगा फिर यंग ऊपर होंगे, तो ओल्ड टू यंग. यहाँ पे आप साइमोस देखेंगे तो मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू द फ्लावर एंड द फ्लावर बॉर्न बेसिपिटल ऑर्डर. बेसिपिटल का मतलब होता है यंग टू ओल्ड.
तो पहले यंग होते हैं फिर ओल्ड, यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले यंग होगा फिर यहाँ पे ओल्ड कोई आएगा, यंग होगा फिर ओल्ड आएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड साइमोस इन्फ्लोरेंस। सो ये इन्फ्लोरेंस के बारे में है। सो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे, तब तक आप इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। पिछले वीडियो में मैंने देखा था मेरी वॉइस थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि लैपटॉप से थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने इसे सुधारा है। तो अगर ये वॉइस मेरी इम्प्रूव हुई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि हाँ वॉइस इम्प्रूव है या नहीं है, ताकि मैं इसी स्टाइल से फर्दर वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच।